संगत आप सबके बीच में आने का मुझे ये सौभाग्य मिला है और आप सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस मंच पर विराजमान आप सबकी सेवा में समर्पित रहने वाले हमारे नाथ संप्रदाय के ऐसे योगेश्वर राजा श्री संजयनाथ जी, उपस्थित हमारे विधायक श्री अश्विनी जी और उपस्थित हमारे सभी पार्टी के यहाँ पर प्रधान भी हैं, उप प्रधान भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, सभी हमारे कार्तिक पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, आप सबकी सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी कार्यकर्ताओं की सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, हम यहाँ पर सदस्यता अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत आए हैं और हम तो एक छोटी सी बैठक लेने आए थे, लेकिन उस बैठक का स्वरूप इतना बड़ा होगा कि हमें सोचा नहीं था। अभी यहाँ से भीम विधानसभा में भी पूछना, अभी हमारे संगठन का कार्यक्रम भी एक और हमें करना है। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि हमको जन जन को जोड़ना है, पूरे राजस्थान को जोड़ना है और ये अधर्मी सरकार जो जयपुर में बैठी है इसको उखाड़ फेंकने का काम हासिल है। क्या क्या इस राजस्थान में पिछले इसी चार साढ़े पौने चार वर्षों में नहीं, सवा पौने पांच वर्षों में नहीं हुआ। मेरी उम्र से बड़े सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, अनेकों चुनाव उन्होंने लड़ाए हैं, लड़े हैं, लेकिन इन पौने पांच वर्षों में इस राजस्थान सरकार ने राजस्थान का क्या हाल किया है, क्या बुरा हाल किया है, क्या किसानों के साथ में झूठ बोलने वाली ये सरकार, युवाओं को धोखा देने वाली ये सरकार, जिस प्रकार से पेपर को बेच खाकर लोगों ने अपने घर की रोटी को खाने का लोगों ने काम किया है, युवाओं को पेपर को बेच बेच कर ये लोग जिस प्रकार से सैर सपाटा करते हैं, किसानों से झूठ बोलकर जो ये लोग सत्ता में आए हैं, मुझे तो बहुत सुनकर हैरानी होती है कि किस प्रकार से जनता को ये कह सकते हैं जो 18 के अंदर बोल गया है कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे और आज फिर एक बार झूठ की दुकान ये खोलकर बैठ गए हैं। इस प्रकार के झूठे इंसान भी नहीं देखे होंगे आपने कभी, देखे कभी? वो 2018 का झूठ भूल गए क्या राजस्थान की जनता? आज फिर वही झूठ बोलकर जनता को बरगलाने के लिए, जनता को भगाने के लिए ये लोग आपके बीच में आ चुके हैं। बंधुओं, इन चीजों को समझो, कांग्रेस के इतिहास को समझो। मैं तो सीधे रूप में कहना चाहता हूँ, किसी बंधु को बुरी लगे तो माफी मांगता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने कहावत हम सबको सुनाई है कि जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, कांग्रेस भ्रष्टाचार से कभी मुक्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, कांग्रेस उस प्रकार से कभी तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, उसी प्रकार से कांग्रेस कभी परिवारवाद से मुक्त नहीं हो सकती। ये कांग्रेस के डीएनए में है भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति। और इस बात को राजस्थान की जनता ने तुष्टीकरण की हर उस मर्यादा को जिस प्रकार से उन्होंने लाना है, हर उस पराकाष्ठा को राजस्थान की जनता ने देखा है। क्या भूल गए कन्हैया की हत्या को? क्या भूल गए इनके कारण इनके द्वारा जो जारी किया गया फतवा था? मैंने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस ने सीएम गहलोत ने फतवा जारी किया है, एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें लिखा था जोधपुर के अंदर विद्युत सप्लाई सुचारू रखी जाए, क्योंकि वहां एक समुदाय विशेष के लोग रहते थे। मैंने कहा कि यह जोधपुर का जो हमारा जयपुर का सीएम हाउस है, वो सीएम हाउस नहीं रहा, वो फतवा हाउस बन चुका है। वहां से हमारे सनातन धर्म के विरोध में फतवे जारी होते हैं, वहां से हमारे पर्व त्योहारों के अंदर जो हमारी जनता जनार्दन पर्व त्योहार मनाना चाहती है, नवरात्रों का त्योहार मनाना चाहती है, उस समय में वहां पर धारा 144 लगाकर हमारी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वहां से हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हमारे मतदाताओं को घर पर ध्वजा, भगवान ध्वजा लहराने का भी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया जाता है। इस प्रकार की सरकार राजस्थान को नहीं चाहिए। राजस्थान को जो सरकार चाहिए वो सबका हित करे, सबका विकास करे, सबको साथ लेकर आगे बढ़े। किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो,
लेकिन राजस्थान के अंदर वो व्यक्ति राजस्थान के हित में सोचे, राजस्थान की जनता के हित में सोचे और अपने देश के हित में सोचे, हर उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और उस हर समाज तक, हर व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सेवाओं के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से हर उस वर्ग का कल्याण करने का भाव भारतीय जनता पार्टी रखती है। तो बंधु, इनकी झूठ की दुकान का सामान जो निखालस झूठ है उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस के चुनावों को देखो, पिछले आजादी से लेकर अब तक के चुनावों को देखो, हर समय चुनाव के समय कुछ ना कुछ झूठ बोलना, कुछ ना कुछ प्रलोभन देना। मैंने तो अपने गुरुजनों से सीखा है, जो व्यक्ति प्रलोभन देता है, जो व्यक्ति लालच देता है, इसका मतलब उसकी नीयत सही नहीं है। सही है कि नहीं बात करी? इसलिए इनके प्रलोभन में आना नहीं है। हमको अपने गांव के अंदर विकास पहुंचाना है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, हमारे घर घर तक योजनाएं पहुंचे। इस प्रकार से हमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सत्ता पर बिठाना है, क्योंकि हमारा देश आगे तभी बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे तभी बढ़ेगा जब राजस्थान आगे बढ़ेगा। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सब कार्यकर्ताओं की, क्योंकि हमें सत्ता प्राप्ति का रोल नहीं है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने का जुनून है। हमें सत्ता प्राप्ति का जुनून नहीं है, हमें अपने राजस्थान प्रदेश के जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं हो और कानून का राज हो और राजस्थान में विकास की प्राथमिकता हो, इस प्रकार की सरकार बनाने का हम सब के अंदर जुनून है। हम सब कुछ सरकार इसलिए बनाना है कि राजस्थान की जनता जो त्रस्त है, आज महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर वन है, रेप भी नंबर वन है, भ्रष्टाचार भी नंबर वन है। कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से हो चुके हैं, मैंने देखा बहुत से विधायक कांग्रेस के, उनका केवल और केवल प्रॉपर्टी की दलाली का काम बचा, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की दलाली करते हैं, थानों की दलाली करते हैं और अपने विभागों के माध्यम से मोटे रूप में कमीशन लेने का काम कर रहे हैं लोग। मोदी जी जल जीवन मिशन लेकर आए, घर घर तक पानी पहुंचाने का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार किया है, पानी का काम, पानी पिलाने का काम धर्म का काम होता है, लेकिन अधर्मी लोगों ने उसमें भी लूट मचाकर पैसा खाने का काम किया और साथ ही साथ में जनता को पानी से वंचित करने का काम किया। आज राजस्थान प्रदेश जल जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। हमारे राजस्थान में पानी की कितनी गंभीर समस्या है, गाँव के अंदर हमारे माताओं बहनों को पानी की कितनी बड़ी आवश्यकता है, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। इसलिए बंधु, ये चुनाव हमारे राजस्थान के लिए है, ये चुनाव हमारे देश के लिए है, क्योंकि हम सबको मिलकर अपने आने वाले 25 वर्षों के अंदर अपने इस भारत को संपन्न भारत बनाना है, अपने इस भारत को विकसित भारत हम सबको बनाना है। इसलिए हम सबको इस चुनाव के अंदर एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी को विजय हम सबको मिलकर बनाना है। ज्यादा समय मुझे मेरे पास में है नहीं, क्योंकि मुझे अन्य कार्यक्रमों में भी पहुंचना है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे कहना है कि चुनाव में ना कोई जाति देखना, ना कोई धर्म देखना, इस चुनाव में केवल कमल का फूल देखना और कमल के फूल के अंदर केवल एक ही भाव है, एक ही उद्देश्य है। ये कमल का फूल राजस्थान के साथ में देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा और अपने भारत के एक एक गांव तक अच्छी योजनाओं के माध्यम से हर परिवार के जीवन में सुख समृद्धि लाने का काम करेगा और अपने देश का नाम पूरे विश्व में पटल के ऊपर एक विकसित भारत हो, पूरे विश्व भर के अंदर एक संपन्न भारत हो, सबका नेतृत्व करने वाला भारत हो, इस प्रकार का भारत निर्माण करने का ये कमल का फूल काम करेगा। उस राष्ट्रभक्ति की भावना से उत्प्रोत होकर आप सब लोग इस चुनाव में अपनी भूमिका देते हुए इस चुनाव को एक अच्छा चुनाव करते हुए, एक विजय संकल्प चुनाव करते हुए और अब तक के रिकॉर्डों में सबसे बढ़िया से बढ़िया चुनाव में अच्छे परिणामों के साथ में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को हर एक विधानसभा से हर एक बूथ से जिताने का आप सब लोग कार्यकर्ता काम करेंगे। इतना ही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। अंत में जिस बात के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ, सदस्यता अभियान का जो हमारा कार्यक्रम है उसको लेकर मैं आप सबके बीच में आया हूँ। आपसे मेरा निवेदन है कि आप आज के बाद में जहाँ भी जाए, जिस भी भाई बंधु से मिले, सबसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनने का आग्रह करें, निवेदन करें। जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नंबर जारी किया है, मोबाइल का नंबर है, उस नंबर पर डायल करकर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सदस्य के रूप में अंकित होंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना मैं मानता हूँ कि देश के लिए समर्पित है।
सैनिक की भांति अपने देश की रक्षा सुरक्षा के साथ साथ में देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनने के समान है, उस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना मोबाइल बाहर निकालें, सभी हमारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता प्रभु आए सभी ग्रामीण क्षेत्र से हमारे मतदाता पहुंचे, सभी अपना मोबाइल बाहर निकालें। नहीं भैया मैं दोबारा कहूँ, सभी अपना मोबाइल का नंबर डायल करें 81 40 200 200, कितना 81 40 200 200, 1140200200, इस नंबर पर मिस कॉल देकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाकर और भारतीय जनता पार्टी और आपके माध्यम